सपा के पूर्व विधायक अबरार अहमद के घर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वर्गीय विधायक के भाई डॉक्टर घनश्याम तिवारी से की बात। अखिलेश यादव ने हर संभव मदद करने का दिलाया भरोसा। अध्यक्ष जी, डॉक्टर की हत्या हुई, क्या आप वहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जाएंगे? उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित हो गया अपराधियों पर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई कड़ी होगी। आप सोचिए इस तरह के घटना घटना हो जाए, हमारी पार्टी के पूरे परिवार के साथ है। परिवार से मेरी अभी बात हुई है, भाई से। आज कांग्रेस का प्रचार कर रहा है। आज पूर्व विधायक अबरार अहमद जी के जो है घर पे अखिलेश यादव जी आए थे और उन्होंने क्या संदेश दिया है सुल्तानपुर में? माननीय अखिलेश यादव जी जो हम सबके नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने पूर्व विधायक माननीय युवराज स्वर्गीय युवराज जी के श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के लोगों से मिले और ढांढस बंधाया और साथ ही साथ जो है सांत्वना भी दी कि ऐसे ही कोई किसी कोई घटना घटती तो हम लोगों भी कहा गया है कि किसी की आपको घटना घटती तो आप लोग पहुँचे और परिवार की तरह जो है उसकी को ट्रीट करें, किसी भी तरह कोई समस्या आती है तो आप लोग हम तक संदेश पहुँचाएं। आप समाजवादी पार्टी में प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं जी जी, और सुल्तानपुर में परसों एक घटना घटी है डॉक्टर राधेश्याम घनश्याम तिवारी के साथ, तो क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ भी जाएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंशा थी वहाँ जाने की, लेकिन जिला प्रशासन से बात करने के बाद उन्होंने इस बात को कहा कि मैं वहाँ पर डेलीगेशन भेजूंगा क्योंकि मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है शासन प्रशासन इजाज़त नहीं दे रहा है, तो हम अपना डेलीगेशन वहाँ पर भेजेंगे। सुल्तानपुर में लगातार घटनाएं होती रही हैं लेकिन उसके बावजूद सुल्तानपुर का प्रशासन मौन है, आखिर कारण क्या है इसका? सरकार की सरकार में जो है कुछ विशेष जात के लोग जो है वो अपने कर्मों से सरकार को बदनाम कर रहे हैं और प्रजा जो है उससे जो है जो लोकतंत्र की में जो है आम जनता है वो परेशान हो रही है और सरकार को चाहिए कि इस पे जो है कानूनी तौर से पाबंदी लगाए। जहां तक अगर हम लोग सरकार होती तो हम लोग इस पे कदम उठाते, चूँकि सरकार भाजपा की है तो भाजपा की सरकार जिसमें नेतृत्व कर रहे हैं माननीय योगी जी, उनको चाहिए कि किसी भी कोई ऐसा जनता संदेश ना जाने पाए जिससे आम जनता से जो है त्राहि-त्राहि मचे। लोकसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन में जो अलायंस है समाजवादी पार्टी का, उसमें क्या भूमिका रहेगी सुल्तानपुर में आप लोगों की? देखिए, गठबंधन राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने यूपी में सबको जगहें दे रहे हैं, सबको सीटें दे रहे हैं, तो हम लोग मेजबान की स्थिति में हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी निर्देश होगा वो हम लोग जो है स्वच्छ पालन करेंगे।